वेलकम बैक गाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बी, कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 13 का। तो अब मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि हमको एक ऐसा मैट्रिक्स टाइप का दिया है, इसको ये लोग बोल रहे हैं ग्राफ है, ठीक है। और फिर अपन लोग ग्राफ देख के कुछ डर जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। मतलब बस क्वेश्चन ये है कि ग्राफ मतलब कुछ नहीं, सिंपल कनेक्टेड चीज है ना, मतलब वर्टिसेस और एजेस का पेयर, मतलब का सेट। हाँ, तो जो अपने को ये गिवन है, ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स टाइप का गिवन है, और हर एक जो पॉइंट है, जैसे कॉर्नर होता है मैट्रिक्स का, उसको बोल रहे हैं नोड है। नोड है, हाँ, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन जहाँ पे ऑब्स्टिकल है वहाँ नहीं जा सकते, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ ऑब्स्टिकल है वहाँ नहीं जा सकते, और जहाँ ऑब्स्टिकल नहीं है वहाँ जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। मतलब रास्ता होना चाहिए, वन से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। तो टारगेट ये अपना, अपने को लास्ट 10^6+1 और n, 10^6+1 यहाँ तक जाना है अपने को, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, यहाँ तक जाना है। और दिक्कत ये है कि ऑब्स्टिकल को क्रॉस नहीं कर सकते। और एक और खास बात ये है कि हर हर रो के अंदर एक ऑब्स्टिकल है, और ये है कि ऑब्स्टिकल को आप हटा सकते हो, ये बात है। ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए क्या है कि जैसे मान लो इसको यहाँ शिफ्ट करना है तो वी कॉस्ट लगेगी, और ऊपर शिफ्ट करना है तो यू कॉस्ट लगेगी, ठीक है, जैसा डायग्राम में दिख ही रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या बताना है कि मिनिमम कितनी कॉस्ट लगे कि यार अपन मिनिमम कॉस्ट दे और पहुंच जाए कहाँ, अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन, तो अभी हम देखते हैं, हमको मिनिमम नंबर ऑफ पैसा खर्च ये बताना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अप्रोच देख लेते हैं ना। तो एक मैं पहले ये कर लेता हूँ कि दो की ग्रिड बना दो, दो की ग्रिड बना दो, मतलब एन इक्वल टू टू मान लेते हैं, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए, ताकि समझ में अच्छे से आए, है ना। तो उसका एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। की पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है, क्या है कि लास्ट कॉलम जो है और जो फर्स्ट कॉलम है वो टोटली फ्री है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों? क्योंकि आप देख लो, जो हमारा ए आई है वो 10^6 तक है, ठीक है, और जो लास्ट कॉलम उसका इंडेक्स क्या है, 10^6+1। तो और हाँ, मतलब क्वेश्चन में ये है कि आई कॉमा ए आई के ऊपर ऑप्टिकल होगा, ठीक है। हाँ, तो 10^6+1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल हो ही नहीं सकता पूरी में, क्यों? क्योंकि जो ए आई है आई कॉमा ए आई पे होगा, और ए आई की मैक्सिमम वैल्यू 10^6 है, तो 10^6+1 वाली जो कॉलम है उसके अंदर ऑप्टिकल नहीं है। अच्छा, तो आप लोग कहोगे यार कि यार सीधा ऐसा तैसा करो यार जुगाड़ कि अपन यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पहुंच गए फिर तो सीधा रास्ता है, क्योंकि कोई ऑप्टिकल नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है ना। और एक और बात क्या है कि आई कॉमा ए आई के ऊपर है ऑब्स्टिकल, ठीक है, लेकिन आई कहाँ से शुरू हो रहा है, वन से शुरू हो रहा है, रो क्या है, वन, ठीक है, 1, ए आई, यहाँ पे क्या है वैल्यू, जीरो, और जीरो मतलब ए आई कहाँ से चालू हो रहा है, वन से चालू हो रहा है। तो ये वाली जो कॉलम है यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए की पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए, ठीक है। अभी अपन केसेस देख लेते हैं। केसेस है कि सपोज कर लो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है और उसकी जस्ट नीचे ऑब्स्टिकल है, ठीक है, जस्ट ऊपर है और जस्ट नीचे है उसी रो में, ठीक है। तो अभी अभी मुझे डेस्टिनेशन ही आया, क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना अभी कि मैं दो वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके मुझे यहाँ पहुँचना है, तो रास्ता ब्लॉक है, नहीं पहुँच पाऊंगा, रास्ता तो ब्लॉक रहेगा, ये बात, हाँ, मतलब यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, तो यहाँ पे मैं नहीं जा सकता, ठीक है, मैं क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब फ्री में नहीं जा सकता, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बिना ऑब्स्टिकल हटाए कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा, ठीक है। अभी दूसरा केस लेते हैं कि जस्ट ये है और उसके जस्ट नीचे यहाँ है, अच्छा, तो भी दिक्कत है यार, नहीं तो भी दिक्कत है ना, हाँ, क्योंकि अपन कैसे भी मूव कर रहे हैं, ये दोनों ऑप्टिकल अभी खड़े के खड़े हैं, अपन इनको पार नहीं कर पा रहे, ये केस, ये भी वैसा ही हो गया सिमिलर, यहाँ पे भी अपन पार तो नहीं कर पा रहे। तो अभी देखते हैं यार, एक दो, अभी एक एक के डिस्टेंस पे थे वो लोग, ठीक है ना, मतलब एक एक के डिस्टेंस, मतलब ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखो ये एक एक का डिफरेंस है, ठीक है, एक एक का ही, और यहाँ पे जीरो का है, जीरो का जब तो दोनों ही खड़े, एक खंबा खड़ा हो गया, तो आगे तो वैसे ही नहीं जा सकते। वन का है तो भी यार मतलब बीच में से निकलने ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि डायगनल के बीच में से ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखते हैं टू या उससे ज़्यादा का हुआ तो क्या, ठीक है, ये देखो यहाँ पे टू या उससे ज़्यादा है, टू या उससे ज़्यादा है, कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस में डिफरेंस, ठीक है। तो अगर अभी ऐसा है, तो अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है और इससे ज़्यादा हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो आप खुद ही देख लोगे, दो देख ले, दो के लिए देख लेते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, दो है, ठीक
ठीक है, तो अब मैं रास्ता बता देता हूँ जहाँ से आप फ्री में जा सकते हो। ठीक है, कैसे जा सकते हो? क्या क्या मैंने पहले क्या बोला था, लास्ट कॉलम जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब उसके अंदर एक भी ऑब्स्टिकल नहीं है, वहां तक हमेशा जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, यही करते हैं, लास्ट कॉलम तक पहुंचना है अपने, जैसे तैसे किसी के भी अंदर लास्ट कॉलम पहुंच जाओ किसी भी रो में। अगर आपने कहा यहाँ भाई सीधा सा रास्ता है, यहाँ जाओ फिर ऊपर का रास्ता ले लो, यहाँ ना लास्ट कॉलम में पहुंच गया, तो सीधा 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 नीचे जाते रहो, पहुंच जाओगे। मैंने कहा यार बिल्कुल सही है। तो क्या क्या देखने को मिला हमको, यहाँ देखने का ये था कि यार जो गैप है वो दो या उससे ज्यादा का हुआ, ज्यादा का हुआ मतलब इसको आगे शिफ्ट कर दो तो भी सेम रास्ता बन जाएगा, मतलब ये फर्स्ट कॉलम नहीं, यहाँ पे और कॉलम होंगे, तब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम में तो वैसे भी कुछ नहीं अभी मैंने बोला। हाँ, तो इसको अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया, सपोज करते हैं कि एक कॉलम और था, मतलब उस ऑब्स्टिकल थोड़ा दूर था, है ना, तो अगर आपने यहाँ शिफ्ट किया तो भी सेम रास्ते से आप फिर से चले जाओगे। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ हो रही, जब इन लोगों का डिफरेंस क्या है, 1 है या 0 है ना, तब दिक्कत हुई अपने को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि क्या कर सकते हैं हम, इन ऑब्स्टिकल को ऊपर नीचे या कुछ करना कर दो जिससे क्या हो कि तुम जा पाओ। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही, अपन ट्राई करते हैं कि यार कुछ होता है क्या। ठीक है, ऑब्स्टिकल मतलब बस अब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फ्री वाला केस तो हमने देखे गया डिफरेंस 2 से ज्यादा है कहीं पे भी, कहीं पे भी। अभी तो मैंने 2 का बनाया, अगर ज्यादा का भी होता तो भी सेम बात होती, क्यों, क्योंकि आप इस कॉलम के थ्रू हर रो में जा ही सकते हो। ये कॉलम कौन सा है, 0 वाला, इसके थ्रू आप हर रो में जा सकते हो, है ना, इसके थ्रू आप हर रो में जा सकते हो। किसी कोई भी ऐसी रो मिल गई जहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव का डिफरेंस कितना है, 2 या उससे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, ये उस रो में पहुंच जाऊंगा और फिर वहां से रास्ता ले लूंगा, अभी जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया था लास्ट कॉलम तक का रास्ता ले लूंगा, नीचे पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्री में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पर बाकी सारे केसेस में जैसे अगर डिफरेंस सब में 1 या 0 है तो यार मेरे को पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अब मैं देखते हैं मिनिमम मिनिमाइज करना है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये देखते हैं क्या मिनिमम पैसा कैसे खर्च करें और पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, है ना, तो अभी जो मैंने 6 केसेस बताए थे फिर से मैं उन्हीं केसेस को बताता हूँ कि यार क्या इसी में 6 केसेस में, तो वो बाकी सारे तो निपट गए, है ना, क्यों, क्योंकि उनमें तो फ्री में ही जा रहे हैं, दिक्कत सिर्फ इन तीनों की है। तो अभी इन तीनों का रास्ता देखते हैं, मतलब रास्ता क्या देखते हैं, मिनिमम कॉस्ट देखते हैं ऑब्स्टिकल को शिफ्ट कर करके। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी इसको शिफ्ट करने के कितने तरीके हैं, यार मैं कहता हूँ इसको यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, दो शिफ्ट कर दो। ठीक है, यहाँ एक और मान है, तो इसको दो शिफ्ट कर दो, दो शिफ्ट कर दो, उससे क्या होगा, मैंने बोला उससे क्या होगा, डिफरेंस 2 से ज़्यादा हो गया, और अगर डिफरेंस 2 से ज़्यादा हो गया तो यार सीधा अपन को एक रास्ता मिल जाएगा जिससे हम यहाँ आ गए ना। हाँ, तो यहाँ मान लो मैं ऑप्शन, ठीक है ना, 2 से शिफ्ट कर दिया, तो 2 से शिफ्ट करने की कितनी कॉस्ट लगी देख लेते हैं क्वेश्चन में, कितनी कॉस्ट लगी भाई 2 से शिफ्ट करना, 2V कॉस्ट लग गई। ठीक है, तो 2V कॉस्ट करके हम आगे निकल गए, कब, ये वाला कौन सा केस है जब डिफरेंस क्या है सब में 0 है। अभी हम देखते हैं अगला केस देखते हैं। ठीक है, इसमें तो सीधा बता दिया ना मैंने, क्या बता दिया कि भाई 2 शिफ्ट कर लो। अभी कोई एक और बोल सकता है, एक और तरीका है भाई, मैंने बोला अच्छा हाँ भाई क्या है भाई, आपने बोला कि यार एक काम करो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर दो। मैंने कहा हाँ यार ये भी सही है, क्यों, क्योंकि इस वाला ये वाला पूरा रो जो है वो खाली हो जाएगा, तो अपन को फिर क्या करना रहेगा, सीधा यहाँ आना है और यहाँ से डायरेक्ट लास्ट कॉलम तक जाना है, उसके बाद का सफर तो वैसे ही बहुत आसान है, फ्री में जाएंगे। ठीक है, तो कितनी कॉस्ट लगी, वी, और ऊपर जाने की यू, वी प्लस यू, और यहाँ पे कितनी लगी थी, 2 × V। कब वाला केस है ये, जब हर एलिमेंट का डिफरेंस क्या हो, 0 हो। ठीक है, सब ऐसे खंभे की तरह खड़े हो, सब ऑब्स्टिकल्स एक ही कॉलम में जमा जमा हो। ठीक है ना, हाँ, अभी अपन केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या है, डिफरेंस क्या है, 1 है। ठीक है, मैक्सिमम कहीं का भी डिफरेंस 1 मिल गया, और मैंने कहा इसी तो और आसान हो गया, क्यों आसान हो गया, क्योंकि भाई इसको एक ही शिफ्ट करना है, एक ही शिफ्ट इधर मार दो, यहाँ मार दिया, तो वापस से वही आपका हो गया, ये देखो ये रास्ता मिल गया फ्री में जाने का। फ्री में तो नहीं गए, क्यों, क्योंकि शिफ्ट किया तो यार वी पैसा तो खर्च हो ही गया ना। हाँ यार वी तो हो ही गया, चलो कोई बात नहीं, वी वी भी काफ़ी है, वी में चल चलेंगे। और यहाँ अगर इसको आप बोलो कि नीचे वाले कॉलम में डाल दो, तो ठीक है भाई नीचे वाले कॉलम में डाल देते हैं, यू यू खर्च कर देते हैं, है ना, तो यू खर्च कर दो। हाँ भाई बिल्कुल सही, वो भी सही है, और यू खर्च कर देते हैं, वो भी सही है ना, नीचे वाले कॉलम में डाल दो, ये रहेगा कब, जब डिफरेंस 1 है तब यू भी हो सकता है, ये यू है ना, और वी भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इधर खिसका लो, बस यही दो ऑप्शन है, या तो नीचे या फिर ऊपर, ताकि अगर नीचे आ गए तो पूरा कॉलम ऊपर वाला खाली हो जाएगा,
और साइड में चले गए वहाँ पे वी किसका के, तो बस वैसा अपना फ्री वाला जो पाथ है वो अपन ले लेंगे, है ना। तो बस यही था, अभी डिफरेंस अगर 2 है तो वैसे ही फ्री में जा रहे हैं, तो बस यही है क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा और सोचना उससे हो जाएगा। सो यार दैट शुड गाइस, अभी अपन कोड देख लेते हैं। हाँ तो कोड मैंने जो बोला है वही इम्प्लीमेंट भी कर दिया सीधा सीधा। तो आप पहले कोशिश यही करना, आप खुद से करो, कहीं अटको तो देख लेना। तो जैसे मैंने कहा कि सारे एलिमेंट्स का देख लिया कि भाई मैक्सिमम उनके बीच का गैप कितना है, मैक्सिमम गैप लैब्स ले लिया, लैब से क्या होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा अंदर वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो मॉड ही देगा, मतलब मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। मैंने देख लिया कितना, अगर मैक्सिमम 2 से बड़ा है तो मैंने बताया, अगर मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है, मतलब जो ऑब्स्टिकल्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 या उससे बड़ा है, तो मैंने मतलब फ्री का पाथ है, फालतू क्यों पैसा खर्च करना, है ना। फिर अगर 1 है, मैक्सिमम 1 है, तो भी मैंने 2 रास्ते बताए थे, या तो नीचे डाल दो या लेफ्ट में खिसका दो, तो या तो वी या तो यू, तो जो मिनिमम है वो करो, क्या होगा कम पैसा खर्च करना है, ठीक है। तो वैसे ही अगर डिफरेंस अगर 0 है तो भी अपन ने बताया था कि यार वी प्लस यू करके हम क्या करेंगे, दूसरी रो में चढ़ा देंगे अपने वाले को, ठीक है, या फिर 2 वी कर देंगे तो डिफरेंस 2 से ज़्यादा कर देंगे, तो उससे क्या होगा फ्री वाला पार हो जाएगा, जो फ्री के टाइम पे जैसा पाता है वैसा, जो भी मिनिमम हो वो कर देना आंसर। तो बस यही है सीधा इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है। सो या थैंक यू गाइस।